टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1.18। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ, एक पॉइंट है जिस पे हमने 10 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है और पॉइंट के एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस नीचे एक स्क्वायर सरफेस है जिसके डायमेंशन है 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हमारा ये है, व्हाट इज़ द फ्लक्स लिंक्ड विथ सरफेस ड्यू टू दिस चार्ज। हमारा क्वेश्चन है, यू हैव टू कैलकुलेट फ्लक्स दैट इज लिंक्ड विथ सरफेस ड्यू टू गिवन चार्ज। नाउ हाउ वी विल कैलकुलेट दिस, वी हैव टू कैलकुलेट द फ्लक्स लिंक्ड विथ सरफेस ड्यू टू गिवन चार्ज। सो इफ आई कंसिडर दिस टू बी अ क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, इसको मैं क्यूब कंसिडर करता हूँ, तो ये चार्ज जो है क्यूब के सेंटर में आएगा और पूरे क्यूब के साथ जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, क्यूब बाय एप्सिलॉन जीरो। क्यूब के सेंटर में तो एक सरफेस के साथ जो फ्लक्स है हमने डिस्कस किया हुआ ही है। व्हाट कैन यू से अबाउट फ्लक्स लिंक्ड विद दिस वन सरफेस, इट इज क्यू बाय 6 एप्सिलॉन जीरो। क्यू इज गिवन टू अस 10 माइक्रोकूलम, 10 × 10⁻¹⁵, 6 एप्सिलॉन जीरो, 6 × 8.85 × 10⁻¹². सो दिस कम्स आउट टू बी 1/6 × 8.85 मल्टीप्लाइड बाय −12। ऊपर जाएगा 12 + 1 = 13 − 5, 13 − 5 इज 10⁸। ये क्या होगा, 8.85 × 6, इट इज नियरली इक्वल टू 55 or 54 whatever into 10⁸। सो दिस इज 0.019 के करीब होगा कुछ into 10⁸। तो फ्लक्स जो है 1.9 × 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस विल बी द फ्लक्स दैट इज लिंक्ड विथ दिस गिवन सरफेस। आ रहा है आपको समझ में, ये जो सरफेस हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, ये सरफेस जो है हमारा वो क्यूब की एक साइड हम कंसीडर कर सकते हैं। तो फ्लक्स लिंक विथ दैट वन साइड ऑफ क्यूब विल बी इक्वल टू क्यू बाय 6 εϵ₀। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ वी मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन भी जो है वो कहीं ना कहीं इस फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड ही है, इसके जैसा ही है। 1.19 द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, 1.19 में हमें क्या दिया हुआ है, इन क्वेश्चन नंबर 1.19 इट इज गिवन दैट अ पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ क्यूबिकल गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑफ एज। एक क्यूबिकल गॉसियन सरफेस हमें दिया हुआ है और जो क्यूबिकल गॉसियन सरफेस है उसकी साइड लेंथ जो हमें दी हुई है 9 सेंटीमीटर और उसके सेंटर पे हमने क्यू चार्ज रखा हुआ है। क्यू की वैल्यू दी है हमें 2 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन आस्क यू इज दैट व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। ये पूरे क्यूब के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स क्या होगा, तो अगेन फ्लक्स इज क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो। अब हमें सारे सरफेस का फ्लक्स पूछा है तो क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो होगा। क्यू है 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10⁻¹। एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू क्या है हमारी, 8.85 × 10⁻¹², 2 by 8.85, 0.226 × 12 − 6 is 10⁶, so it comes out to be 2.26 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये जो है हमारा इस क्यूबिकल सरफेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स मिल रहा है। दोनों क्वेश्चन काफ़ी सिंपल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.20, यहाँ पे हमें दिया हुआ है अ पॉइंट चार्ज causes an electric flux of −1 × 10⁻³।
a point charge causes a electric flux minus 1 into 10 power 3 newton meter square per coulomb. To pass through a spherical surface, कोई point charge है, उसके आसपास एक spherical surface है, और ये spherical surface का flux हमें दिया हुआ है, और spherical surface की जो radius है, वो हमें दी हुई है यहाँ पे 10 centimeter. अब यहाँ पे हमें पहला question ये पूछा है, कि अगर radius को मैं double कर देता, पहला question A, जहाँ पे दिया है, if this radius is doubled, find value of new flux. अगर radius को double किया जाए तो new flux क्या होगा, ये पहला question है. तो हमें पता है कि अगर radius double भी की जाए तो भी क्या होगा, तो भी क्या होगा, number of field lines जो इस अंदर के sphere में से pass होगी या बाहर के sphere में से pass होगी, दोनों same होगी. We know that the flux do not depend on what? Shape and size of Gaussian surface. यह हमें पता है fact. It doesn't depend upon shape and size of Gaussian surface. So even the flux linked with this larger sphere phi dash will be equal to phi only. That is minus 1 into 10 power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. तो पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर है. उसमें ही सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज क्या होगा. तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, क्यू एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन जीरो. क्यू एनक्लोज क्या होगा, फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन जीरो. फ्लक्स हमारा क्या है, माइनस 1 इंटू 10 पावर 3. एप्सिलॉन जीरो क्या है, 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12. तो जो वैल्यू होगी माइनस 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 9 कूलम, ये जो है अंदर के चार्ज की वैल्यू. देखो जो तीनों क्वेश्चन हमने किए वो गॉस लॉ के रिलेटेड थे, जहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू एनक्लोज चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन जीरो से हम इजीली ढूंढ सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल डिस्कस. ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए, काफ़ी ईजी है. फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो के रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब हम देखने वाले हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1.21. काफी सिंपल क्वेश्चन है ये भी. क्वेश्चन नंबर 1.21 यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज. एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ये जो स्फीयर दिया हुआ है हमें यहाँ पे, याद रखिए ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है, और इस कंडक्टिंग स्फीयर की जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर. उसके ऊपर जो चार्ज है हमें नहीं पता, हैज अ अननोन चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्फीयर. यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E, इट इज 1.5 × 10³ न्यूटन पर कूलम, एंड इट इज टूवर्ड्स द स्फीयर. इलेक्ट्रिक फील्ड जो टूवर्ड्स द स्फीयर है. तो क्वेश्चन हमारा ये है, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन स्फीयर. अब एक चीज़ तो क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द स्फीयर है, मतलब स्फीयर पे जो नेट चार्ज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी हमें पता है क्या होगी, फॉर पॉइंट लोकेटेड आउटसाइड द स्फीयर इट विल बी KQ/r² हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, आर की भी वैल्यू दी हुई है, हमें क्यू ढूंढना है. तो इजीली ढूंढ सकते हैं हम, ई इज 1.5 × 10³, के इज 9 × 10⁻¹. चार्ज हमें ढूंढना है क्यू. डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, मतलब के 2 × 10⁻¹ मीटर, वो वैल्यू क्या आएगी, 4 × 10⁻². उसका स्क्वायर लिया हमने, क्यू की वैल्यू क्या होगी, 4 × 1.5 = 6, 3 − 2 = 1, और ये 9 इस तरफ आएगा, −9 होगा, मतलब 10⁻¹⁸ डिवाइड बाय 9, 6/9 = 2/3, 0.667 × 10⁻¹⁸ कूलम.
this is the charge, but of course this charge should be negative. Why it is negative charge? Because electric field is towards that sphere. Okay, so this is also very simple question that we are having. Next question, question number 1.22. Uniformly charged conducting sphere of 2.4 meter diameter. Uniformly charged conducting sphere is given to you, which is having diameter 2.4 meter, has a surface charge density. सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू हमें दी हुई है, दैट इज 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर. क्वेश्चन आस्क अस इज दैट फाइंड द चार्ज ऑन स्फीयर. पहला क्वेश्चन ये है कि चार्ज क्या होगा इसका, तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी हमारी, सिग्मा इंटू सरफेस ऑफ स्फीयर, दैट इज 4πr², सिग्मा 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर, मतलब 8 × 10⁻⁵. इसकी रेडियस हमें पता है, अगर डायमीटर 2.4 है तो रेडियस क्या होगा, 1.2, 4 × 3.14, स्क्वायर ऑफ रेडियस दैट इज 1.44. दिस क्वेश्चन 8 × 4 = 32 × 3.14, नियरली इक्वल टू 100 हम ले सकते हैं. 100 × 144 ही वैल्यू आएगी, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे. तो ये जो वैल्यू होगी 1.44 × 10⁻³ कूलम, ये अप्रोक्सीमेट है, आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, थोड़ा वेरिएशन हो सकता है. तो इट इज़ 1.44 × 10⁻³ कूलम, ये हो गया नेट चार्ज. एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ स्फीयर. अगर इस सरफेस पर, जैसे हमने बात की, ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, टोटल चार्ज भी हमें मिल गया है अब जो है वो. अब हमें पूछा है कि फ्लक्स क्या होगा इसका, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्यू एनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन जीरो. क्यू एनक्लोज है हमारा 1.44 × 10⁻³ डिवाइड बाय 8.85 × 10⁻¹2. 1.44 डिवाइड बाय 8.85, इट शुड बी समवेयर बिटवीन 0.16, 12 − 3 = 10⁹. सो 1.6 × 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये जो है फ्लक्स है. आप देख सकते हो चैप्टर के सारे क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, बेसिक फार्मूलाज के ऊपर ही डिपेंड है, एक सिंगल फार्मूला ही हमें यूज़ करना है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 1.23. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो है 1.23. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये सारे क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन इसके आंसर कर लीजिएगा. 1.23 में हमें दिया हुआ है कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग हमारे पास चार्ज है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग हमारे पास कंडक्टिंग या तो फिर चार्ज्ड वायर है, और ये चार्ज्ड वायर से 2 सेंटीमीटर दूर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम. ये हमें यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है. तो क्वेश्चन ये है कि इसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्ब्डा की वैल्यू क्या होगी. वी आर ऑलरेडी हैविंग दिस फॉर्मूला, ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज वॉट, 2k λ/r. ई इज गिवन टू यू, R is given to you, K we already know, and we need to find out what, just lambda. So we'll put all the values, 9 × 10⁴, 2 × 9 × 10⁹, lambda we need to find out, distance 2 cm, 2 × 10⁻², this 9, 9, 2, 2 will get cancelled, lambda will be how much, 4 − 2, that is 2, और 9 इस तरफ आएगा, 2 − 9 = 10⁻⁷, और जो यूनिट होगा लैम्ब्डा का वो क्या होगा, कूलम पर मीटर. तो आप देख सकते हो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन 1.24 जो क्वेश्चन है, टू लार्ज थिन मेटल प्लेट आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर. टू लार्ज
and thin metal plate are parallel and very close to each other. It is given to us. Surface charge densities of opposite sign and magnitude 17 into 10 power minus 22. इन दोनों के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी है. चलो एक को हम पॉजिटिव ले लेते हैं और दूसरी प्लेट को हम नेगेटिव ले लेते हैं. तो एक के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, दूसरे पे माइनस सिग्मा. सिग्मा की वैल्यू भी हमें दी हुई है 17 इंटू 10 पावर माइनस 22 कूलम पर मीटर स्क्वायर. हमें कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है? दो पॉइंट्स पे, इन आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, इन आउटर रीजन ऑफ सेकेंड प्लेट. मतलब ये फर्स्ट प्लेट के आउटर रीजन पे पॉइंट ए पे, ये सेकेंड प्लेट के आउटर रीजन पे पॉइंट बी पे, और तीसरी बिटवीन द टू प्लेट्स पॉइंट सी पे. इन तीन जगह पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फाइंड आउट करनी है. तो पहले ये फर्स्ट प्लेट की बात करते हैं. पॉजिटिव के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक हो गई प्लेट नंबर वन, ये हो गई प्लेट नंबर टू. तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम पॉइंट ए की बात करेंगे. ड्यू टू प्लेट नंबर वन इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड. ड्यू टू प्लेट नंबर टू बिकॉज इट इज नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज टूवर्ड्स दैट चार्ज. बोथ सिग्मा आर सेम, डायरेक्शन आर म्यूचुअली ऑपोजिट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एज E1 एंड E2 गेट्स कैंसल, सो इट विल बी इक्वल टू जीरो. आ रहा है समझ में? पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगी. अच्छा, E1 E2 दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे वो भी हमें पता होना चाहिए. E1 E2 दोनों क्या होंगे? क्योंकि प्लेट है तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, और दोनों की वैल्यूज आप देख सकते हो कि सेम है, दोनों म्यूचुअली ऑपोजिट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए क्या होगा? 0. अब हम बी की बात करेंगे. तो बी पे भी सेम, पॉजिटिव चार्ज से अवे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स होगी इलेक्ट्रिक फील्ड. तो वहाँ पे भी दोनों इक्वल ऑपोजिट है, तो वहाँ पे भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगी? 0 होगी. आउटर रीजन ऑफ प्लेट वन एंड आउटर रीजन ऑफ प्लेट टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम आउट टू बी 0. अब हम बात करते हैं सी की. अब हम बात करेंगे सी की. तो पॉइंट सी पे पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे है, नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स है. तो ये हो गए E1 और E2. तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों ऐड होगी. EC क्या होगा? E1 प्लस E2. E1 की वैल्यू भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, E2 की वैल्यू भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0. तो वैल्यू क्या है हमारी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0. मतलब कि बिटवीन प्लेट्स की अगर बात की जाए तो सिग्मा जो है हमारा 17 इंटू 10 पावर माइनस 22 डिवाइड बाय 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12. 17 डिवाइड बाय 8.85 नियरली इक्वल टू 1.9594 जो भी वैल्यू आ रही है. और ये होगा 10 पावर माइनस 10, ये वैल्यू एग्जैक्टली हो रही है हमारी 1.92 न्यूटन पर कूलम्ब. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी. तो ये भी क्वेश्चन सिंपल थे, इसके भी फार्मूला हमने डिराइव कर रखे हैं. यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट के भी फार्मूलाज हमारे डिराइव थे, यूजिंग दैट वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. लेकिन फिर भी आप देखिए क्वेश्चन कैसे है, एक सिंगल फार्मूला बेस्ड जो है उस पर सारे क्वेश्चन है. अब यहाँ पे हमारी मेन एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, उसके बाद और ज़्यादा हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे एक एडिशनल एक्सरसाइज भी दी हुई है. तो एडिशनल एक्सरसाइज सारे चैप्टर की जो है हम एक साथ बाद में सॉल्व करेंगे ड्यूरिंग आर क्लास आवर्स, तो जिससे इन चैप्टर का रिविजन भी हो जाए. अभी हम जो भी चैप्टर चलाएंगे उसकी सिर्फ जो है वो मेन एक्सरसाइज ही रखेंगे. तो नेक्स्ट सेशन में हम अब हमारा सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस जो है वो स्टार्ट करेंगे.